सबसे पहले आलू को काट लेंगे, उतना काटेंगे जैसे कि आलू की भुजिया बनाती हूँ, आलू की भुजिया से थोड़ा सा हल्का सा बड़े साइज़ में होगा, थोड़ा सा मोटे भी होगा। ऐसा करके हमने चारों पांच आलू जितना लिया है उतना हम काट लेंगे। चाकू से मुझे आता नहीं काटना, तो हम क्या करें, इसलिए हम इजी से ही काटते हैं। ना आदत है ना आता है काटना। नया आलू है इसलिए पहले धो लिया बहुत अच्छे से, छिलका छिल के उसको धो लिया, धो के फिर काट रही हूँ ताकि उसको धोने में उतना टाइम ना लगे। बहुत बड़े भी नहीं छोटा भी नहीं, बड़े भी काट सकते हो अपने अपनी मर्जी है, लेकिन मुझे ऐसे पसंद होती है। देखो साइज दिखा रही हूँ ना कैसा है, आलू को काट काट के पानी में डाल लूँ, नहीं तो वो लाल सा अजीब सा हो जाता है, तो डायरेक्ट काट के पानी में डाल दूंगी। अब इसको धो के छान के रख दूंगी। अभी हम जब सब्जी में छौंक लगाना है उसके लिए एक प्याज काट लूंगी और एक छोटा प्याज काट लूंगी जो अंडे में ऑमलेट में डालना है, उसको बारीक बारीक करके काटूंगी। मैं तो खड़े होके टेबल पे पेट की सपोर्ट में लगा के काट लेती हूँ प्याज सब्जी काटने वाले से। अभी हमने टमाटर डालना है दो, तो हमने उसको भी छोटा छोटा करके काट के रख दूंगी साइड करके। बिल्कुल सिंपल सब्जी है। अभी देखो हमने वो अंडे के ऑमलेट बनाना है, इसके लिए प्याज ले लिया था छोटा छोटा करके काट के, छोटा सा एक ही प्याज लिया था, और चार अंडा उसमें फोड़ के डाल देंगे। अभी इसमें थोड़ा सा सूखी लाल मिर्ची, हल्दी, नमक डाल के उसको फेंट के साइड में रख देती हूँ। अब इसमें एक चम्मच धनिया और एक चम्मच जीरा, इसको हम सूखा भून लेंगे। बर्तन में ऑयल नहीं डाला, कुछ नहीं, सिर्फ बर्तन गर्म हो गया, उसके बाद हमने इसको रोस्ट करने के लिए डाल दिया। अब इसमें ना आपको वो छिटकने लगती है और हल्का सा खुशबू भी आ जाएगा, पता चल जाता है कि हाँ ये भून गया। जैसे ही भून गया हमने उसको साइड कर दिया। अब इसमें डाल देंगे हम ऑयल, बर्तन ऑलरेडी पहले से ही गर्म है। अब हमने जो अंडा फेंट के रखे थे उसको डाल दिया। अब इसको ऑमलेट नहीं बनानी, जैसे अंडे की भुज्जी बनानी होती है ना, ऐसा हमने चला चला के चारों तरफ से भून के उसको भुज्जी जैसे बना लेंगे अंडे की, लेकिन एकदम बारीक बारीक नहीं करेंगे, थोड़ा सा मोटे मोटे रखेंगे इसको। इसको चलाते रहेंगे कि एक साइड से कच्चा है, एक साइड से ज़्यादा भुन जाए, ऐसा ना रहे, पहले पूरा पक जाए उसके बाद फ्राई करेंगे अच्छे से। इसको अभी अच्छे से भून लेंगे, पलट पलट के ना घुमाएंगे चलाएंगे, बीच बीच में फोड़ते भी रहेंगे तो वो अपने आप ही फ्राई भी होता रहेगा। अभी देखो इतना बनाना है, इतना फ्राई करके इसको पलट के आपको रख देना है। उसके बाद हमने ऑयल डाल के उसमें जीरा डाल दिया। जीरा डाल के इसमें प्याज पहले नहीं भूनना है, इस सब्जी का ये चीज़ है, पहले आपको आलू डालना है, क्योंकि जैसे प्याज डाला ना आलू बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो जाता है, तो आपको आलू को पहले फ्राई करना है। जब आलू का जो पानी होता है ना वो निकल जाएगा, आलू एक साइड से दो साइड से ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद जाके हम इसमें प्याज डालेंगे ताकि प्याज की कच्चापन हट जाए, बस उतना ही बहुत होती है इस सब्जी में।
अब इसको हम चला चला के इसको भुनाएंगे। नया आलू है ज़्यादा भी नहीं चला सकते, इसलिए एक दो बार चलाएंगे, एक बार चला के अच्छे से फिर रख देंगे नीचे का, जब ब्राउन होगा तभी जाके पलटेंगे हम लोग। अभी मेरी जो तरीका है, नमक, मिर्ची, हल्दी, ये सारा तीनों चीज़ मैं कटोरी में करके ना गर्म पानी में भिगो देती हूँ, ताकि जब सब्जी में डालूँ तो उसका सारा फ्लेवर सब में जाए। और सूखा मसाला है वो नीचे चिपकने का, जलने का भी डर होता है, तो अगर आप भिगो के रखते हो ना तो वो चीज़ होता ही नहीं है। तो देखो हमारे आलू जब अच्छे से भुनने लगा, अब इसमें डाल देंगे प्याज, प्याज डाल देंगे। प्याज डाल के इसको, प्याज फ्राई होने की ज़रूरत नहीं होती, इसकी जो कच्चापन होगी ना उसको हम निकाल देंगे, बहुत होगी, बस इसको आलू के साथ चलाना है। अभी अगर आपके आलू अच्छे से ब्राउन हो जाते हैं ना, आप प्याज डालो, फिर वो चिपकने का डर ही नहीं होता है। अभी हमने जैसे प्याज का कच्चापन हट गया, देखो ट्रांसपेरेंट कलर हो गया प्याज का, उस टाइम डाल दूंगी टमाटर, और टमाटर डाल के जो हमने मसाला घोल के रखे थे गर्म पानी में वो भी डाल दूंगी, ताकि दोनों एक साथ अच्छे से आलू में पक जाए। पानी हम एक बूंद भी अभी तक नहीं डाले इस सब्जी में। पानी आपको एकदम एंड में जाके डालना होता है। आप सोच लो कि सूखी सब्जी प्रॉपर बनी चुकी है तब जाके पानी डालनी होती है, क्योंकि अब 5 मिनट पकाना है बस। एक आलू गिर गया, हम इसको उठा लेते हैं। अभी हमें थोड़ा सा अदरक पीस के रखे थे, तो वो अदरक भी डाल दूंगी इसमें। अब इसको अच्छे से पकाना है। देखो आप सब्जी को, सब्जी को देख सकते हो कि पूरा ऐसा लगता है कि सब्जी बन चुका है, जैसे सूखी सब्जी बनती है ना, उस टाइम डालेंगे इसमें पानी। पानी की मात्रा भी ज़्यादा ना हो, क्योंकि ये सब्जी में पानी वाला सब्जी अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इसमें उतना हो, पानी भी ना हो, सूखा भी ना हो, जो हल्का सा ग्रेवी सा होता है ना वो वाला सब्जी बनता है ये। अभी हमने जो रोस्ट किया था धनिया और जीरा, उसका एक चम्मच इसमें डाल दिया, क्योंकि सब्जी की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा है इसलिए मैंने एक चम्मच डाला। कम होता तो कम डालते हैं, तो सब्जी के अकॉर्डिंग उसमें वो ड्राई मसाला भी पड़ता है। अभी जब हमने ये उबाल आ गया, गर्म पानी ऑलरेडी मैं डालती हूँ इसमें, तो उबाल जैसे ही आया मसाला डाला, मसाला डालने के बाद तुरंत हमने जो अंडा फ्राई करके रखे थे भुज्जी वाला वो हमने डाल दी। इसको हम ढक के 2 से 3 मिनट रखेंगे, ताकि सारे सब्जियों का जो मसाला है, फ्लेवर है, सारा अंडों में भी चले जाए। उसके बाद देखो आप, ढक्कन हटा दिया, हो गया। पानी डालने के बाद 2 से 3 मिनट आपको पकाना है, उसके बाद आपकी सब्जी बन गया। ये सब्जी खाने में जितना टेस्ट है, सच में जब तक आप बना के नहीं खाओगे आपको पता नहीं चलेगा। इसको बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स से आके ज़रूर बताइए।